हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिष्टी डोई। स्टेप बाय स्टेप सारे टिप्स के साथ बताऊंगी, जिससे कि आपकी मिष्टी डोई एकदम परफेक्ट बनेगी। अगर आपको मिष्टी डोई बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे से जमता नहीं है या अच्छा कलर नहीं आता है, तो आप अगर इन सारे टिप्स को फॉलो करोगे तो आपकी मिष्टी डोई एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं मिष्टी डोई बनाना। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में एक कप शुगर को डाला है। फिर क्या करेंगे, इस चीनी को हम इस तरह से थोड़ा सा फैला देंगे, जिससे कि क्या होगा कि चीनी थोड़ी जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। और उसे हमें तब तक मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है जब तक कि वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके एक लाइक से फ्रेंड्स मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की। तो मैंने यहाँ पे लिया है 750 मिलीलीटर दूध, मतलब अगर हम कप से नापेंगे तो इसका मेजरमेंट होगा 3 कप। अब यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब इसमें हम डालेंगे दूध। और यहाँ पे हमें दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अगर आपके पास फुल फैट क्रीम दूध हो तो बढ़िया है, अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। बस अब हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर तक पकाते रहना है। और ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास फुल फैट क्रीम दूध नहीं हो तो मिष्टी डोई थिक नहीं बनेगी। अगर हमारे पास फुल फैट क्रीम दूध नहीं हो तो हमको थोड़ा सा दूध को ज़्यादा पकाना पड़ेगा, जिससे कि मिष्टी डोई एकदम परफेक्ट बनेगी। धीरे धीरे करके मैंने इसमें सारा दूध डाल दिया है। बस अब हमें इसे लगातार स्टर करते रहना है। मेरे पास जो ये दूध था वो भी फुल फैट क्रीम दूध नहीं था, तो मैंने इस दूध को लगभग 50% तक गाढ़ा किया है। अगर फुल फैट क्रीम दूध हो तो 30-40% ही हमें इसे थिक करना होगा। जब तक हमारा दूध ये यहाँ पे गाढ़ा होता है, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि मिष्टी डोई बनाने के लिए जो हमें दही की ज़रूरत पड़ेगी वो हमें कैसी चाहिए, जो कि मैंने पहले से ही तैयार करके रखी थी। और उसके लिए मैं बताती हूँ हमें क्या करना है। एक कॉटन के कपड़े में 1 कप दही को डालकर उसे इस तरह से छन्नी के ऊपर रखकर कुछ अच्छा सा वेट रख देना है, मतलब कोई भी उसके ऊपर भारी वाली चीज़ रख देनी है, जिससे कि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए और एक ये थिक दही जैसे बन जाए, जिससे कि क्या होगा कि ये दही कुछ इस तरह से एकदम से थिक बन जाएगी। हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर हमारी दही ज़्यादा अच्छे से थिक होगी तो ही हमारी मिष्टी डोई ज़्यादा थिक बनेगी। अगर हमारी दही में पानी रह गया तो वो ज़्यादा थिक में नहीं बनेगी। और ये जो हम दही लेंगे वो थोड़ी सी ज़्यादा खट्टी होनी चाहिए, इससे मिष्टी डोई का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और मैंने दही को लगभग 2 घंटे के लिए इस तरह से छोड़ दिया था। अब हमें क्या करना है, इस दही को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है और उसे अच्छे से फेंट लेना है, जिससे कि इसमें एक भी लम्स न रह जाए। तो लीजिए, यहाँ पे हमारा दूध 50% तक थिक भी हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा दूध फुल फैट क्रीम नहीं है, इसलिए मैंने इसे 50% तक रिड्यूस किया है। और मिष्टी डोई का फ्लेवर और अच्छा करने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर को थोड़े से दूध में अच्छे से मिक्स करके उसे इस कैरमलाइज दूध में डाल दिया है। बस अब मिल्क पाउडर को अब हम इसमें मिक्स करके और उसे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे। हमें दूध को ल्यूक वार्म ही रखना है। अगर हम दूध में उंगली डालकर देखेंगे तो बस हमारी उंगली जितना दूध को गर्म सहन कर पाए उतना ही रखना है। इसके बाद हमने जो फैटी थी दही, उसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि दही में कोई भी लम्स न रहे। यहाँ पे धीरे धीरे देखिए, मैंने सारा दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसे अब हम जमाएंगे मिट्टी के बर्तन में। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं हो तो आप स्टील के बर्तन में भी इसे जमा सकते हैं, पर मिट्टी के बर्तन में ये ज़्यादा अच्छे से जम जाती है। मेरे पास यहाँ पे ये कुल्लर थे तो मैंने उसमें ही इसे डालकर अच्छे से कवर कर दिया है। गर्मियों का मौसम हो तो ये 6-7 घंटे में अच्छे से जम जाती है। और इसे हम 6-7 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे,
पर अगर ठंड का टाइम हो और आपको लगे कि ये जमने में थोड़ा सा टाइम ले रही है तो आप इस मिट्टी के बर्तन को किसी आटे के डब्बे में भी रख सकते हैं तो ये जल्दी से जम जाएगी। अगर आप इसे आटे के डब्बे में नहीं रखना चाहते हो तो इसके ऊपर कोई ब्लैंकेट या गर्म टॉवल से इसे आप ढक सकते हैं। तो लीजिए, हमारी मिष्टी डोई तैयार है। इस तरह अगर हम बर्तन को उल्टा करें तो मिष्टी डोई नीचे नहीं गिरे और उससे चम्मच से काटने पर अगर वो एक लेयर की तरह जमे तो समझो मिष्टी डोई एकदम परफेक्ट बनी है।